कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के लिए गहमा गहमी तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक गहलोत आज दिल्ली आ रहे हैं। दौरे के दौरान सोनिया गांधी से मिलेंगे अशोक गहलोत। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में होने वाला है, लेकिन सियासी हलचल राजस्थान में हो रही है। इसी सियासी हलचल को देखकर सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत भी मैदान में उतरने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक गहलोत 26 सितंबर को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कल देर रात गहलोत ने अपने विधायकों के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद आज दिल्ली आने का कार्यक्रम है। दिल्ली में आकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा होगी। भरना नहीं भरना ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि मैं फॉर्म भरता हूँ तो वो तो जब डायरेक्शन होगा पार्टी का वो तो मानते आए हैं, तब ये कंडीशन बनेगी ना, वो तो सारे बाद में फ्यूचर में तय होगा। अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर अशोक गहलोत पहले इनकार कर चुके हैं, लिहाजा नाम पर सस्पेंस बरकरार है। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात हुई विधायक दल की बैठक के दौरान गहलोत ने कहा अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी को मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए तो कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष। कांग्रेस नेता शशि थरूर के नाम की भी चर्चा हो रही है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर चुके हैं, हालांकि किसी के नाम की पुष्टि नहीं है। और हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, जयपुर से हमारे संवाददाता मनीष और दिल्ली से जैनेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। मनीष, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले जानकारी, किस समय रवाना होंगे अशोक गहलोत वहां से दिल्ली के लिए, और दूसरा उनके दिल्ली आने को लेकर वहां के हलकों में किस तरह की खबरें चर्चाएं? जी, अशोक गहलोत के कार्यक्रम की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे स्टेट प्लेन से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और दोपहर तकरीबन 11:30 बजे उनका सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है। आज अशोक गहलोत शाम तक दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद वो कोची जाएंगे, जहां पर भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है उसमें राहुल गांधी से उनका मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके बाद अशोक गहलोत महाराष्ट्र जाएंगे, वहां कुछ उनके दूसरे कार्यक्रम हैं। इसके बाद 3 दिन बाद वो जयपुर लौटेंगे। लेकिन सबसे अहम बात कि अशोक गहलोत और राजस्थान का भविष्य क्या होगा, तो अब बिल्कुल तस्वीर साफ होती दिख रही है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि कल रात को विधायक दल की बैठक में जो बात उन्होंने कही, अगर उसको बिटवीन लाइंस यानी कि उसके अर्थ को समझा जाए, तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अशोक गहलोत ने यह तय कर लिया है कि आलाकमान अगर उन्हें कहेगा तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे, और इसके लिए उन्होंने तमाम विधायकों को तैयार रहने को भी कहा। दूसरी बड़ी बात कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सबसे अहम बात कि राजस्थान में अगले साल दिसंबर में चुनाव होने हैं, महज 1.25 साल का वक्त बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री बदलना फिलहाल कांग्रेस के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से उचित नहीं होगा। ऐसे में अशोक गहलोत बजट की तैयारियां कर रहे हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार का आखिरी बजट जनवरी और फरवरी में रखा जाएगा। विधायकों से वो लगातार बजट को लेकर के सुझाव मांग रहे हैं। ऐसे में ये तय है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री भी रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे, कम से कम जनवरी और फरवरी तक। जी जैनेन्द्र, दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहां अशोक गहलोत के आने को लेकर, और अगर नामांकन वो भरते हैं तो ऐसे मुकाबला थरूर से भी हो सकता है, वहां क्या चर्चाएं हैं? देखिए, अब साफ हो गया है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं, वो पर्चा नहीं भर रहे हैं। बेशक उनके नाम का प्रस्ताव कांग्रेस की तमाम कमेटियां अध्यक्ष के तौर पर कर रही हों, ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव जो है वो लगभग तय हो गया है और दो चेहरे उभर कर सामने आ चुके हैं, एक अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और एक केरल से सांसद शशि थरूर। एक बड़ा फर्क इन दोनों में यह है कि जहां अशोक गहलोत को खुद कांग्रेस हाईकमांड यानी सोनिया गांधी ने कुछ हफ्तों पहले बुला करके ये निर्देश दिया था कि आपको पार्टी की कमान संभालनी पड़ सकती है, इसके लिए तैयार रहिए, तो वहीं शशि थरूर खुद पहुंचे सोनिया गांधी के यहां ये बताने के लिए कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या तीसरा उम्मीदवार भी होगा या उससे ज्यादा उम्मीदवार भी होंगे, इसके लिए 24 तारीख से 30 के बीच जब नामांकन की प्रक्रिया चलेगी तब तक इंतजार करना पड़ेगा।
नाम वापसी की तारीख 8 अक्टूबर है, तो तब तक कयास लगते रहेंगे कि क्या कोई नाम वापस लेगा, क्या आम सहमति से अध्यक्ष तय किया जाएगा। तो ये लगभग अब तय हो गया है कि अशोक गहलोत पर्चा भरने वाले हैं, और जाहिर सी बात है वो पर्चा भरेंगे तो उनका कद सबसे बड़ा होगा जो जितने भी उम्मीदवार अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल कांग्रेस के अंदर बहुत तेज है। हमारे दोनों सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जैनेन्द्र, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।